गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे। क्या है इकोनॉमिक बॉटनी, मतलब आर्थिक वनस्पति विज्ञान। अभी तक बॉटनी पढ़ते थे, वनस्पति विज्ञान। अब इस वनस्पति विज्ञान में आर्थिक वनस्पति विज्ञान, मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो कि काफ़ी लाभदायक हैं या आर्थिक दृष्टि से उनका कोई महत्व है, उन पेड़ पौधों के बारे में अगर हम हैं इस के ही वही पौधे आएंगे इसमें इकोनॉमिक बॉटनी में, जो पौधे आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान हैं या उनके कोई उत्पाद हमारे किसी काम के हैं और वो हमारे उनके उत्पाद हमारे आर्थिक रूप से हमारे लिए महत्व रखते हैं। इसका यह है कि क्या है कि आर्थिक दृष्टि से जो मूल्यवान पादप तथा उनके उत्पादों के अध्ययन को आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। संपूर्ण मानव जाति अपनी हम लोग जो हैं अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जैसे भोजन, कपड़ा, आवास की पूर्ति के लिए पूरे प्लांट्स के ऊपर, पादप जगत के ऊपर ही आश्रित हैं पूरी तरह से। और अब यह है कि क्योंकि वनस्पति में तो पूरा बॉटनी में बहुत सारे पेड़ पौधे आ जाते हैं, तो हम पूरे हर पेड़ पौधा तो या प्लांट जो है वो सब लाभदायक नहीं हो सकता है, कुछ जहरीले पौधे पेड़ पौधे भी होते हैं। तो उस पेड़ पौधों को आधार पर कि कौन से पेड़ पौधे काम के हैं, कौन से पेड़ पौधे नहीं काम के हैं, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए इनको क्लासिफिकेशन किया गया है कि भाई कौन सा पौधा कहाँ रखा जाए, क्या है क्या नहीं है, इनका क्या है क्या नहीं है, इनको पांच क्लासिफाई में करके कि उनके आधार पर कि कौन सा पौधे को प्लांट का पार्ट ले लिया टैक्सोनॉमी के आधार पे, उस प्लांट का नेचर कैसा है, मतलब यूज़फुल जो उसका प्लांट का जो पार नेचर है वो यूज़फुल है, उसका कौन सा जो यूज़ का जो प्लांट है उसका डिफरेंट यूजेस क्या हैं, या उसका जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो प्रोडक्ट हमारे काम का किस तरह से है। मतलब कि इसको जो सिंप्लीफाई करने के लिए इकोनॉमिक बॉटनी से, मतलब जो मूल्यवान पादप हैं या जो जिन ऐसे पेड़ पौधे जिनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं कुछ ना कुछ किसी तरह से, या तो उसकी पार्ट का टैक्सोनॉमी के हिसाब से उनको अलग किया गया है, उनके प्लांट के नेचर के हिसाब से क्लासीफाई अलग किया गया है, उनके डिफरेंट यूजेस के हिसाब से उनको अलग किया गया है, और या उनके से जो प्राप्त हमें प्रोडक्ट हैं उनके हिसाब से अलग किया गया है। तो इस तरह उनको अलग अलग क्लासिफाई कर पार्ट कर दिए हैं। तो जैसे कि सबसे पहले बात है कि यूज़फुल पार्ट। अब यूज़फुल पार्ट जो है प्लांट के कौन कौन से हैं कि प्लांट में जड़, तना, पत्ती, लीफ, फ्लावर, बीज, फ्रूट्स, उसकी छाल, बार्क अगर करें तो ये सब होते हैं। तो ये किस किस रूप में हमारे काम के हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि भाई स्टेम है तो स्टेम प्लांट का हमारे जो है गन्ना है, अगर सीसम है आपके काम में आती है, लकड़ी काम में आती है। लीफ की बात करें तो जैसे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं वो हमारे काम की हैं। तो अलग अलग तरह के पार्ट, प्लांट के पार्ट अगर यूज़फुल हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे, उनको इस तरह से इस उसमें क्लासिफिकेशन में इस क्लास में रखा गया। दूसरी है तो प्लांट के टैक्सोनॉमी के हिसाब से, तो टैक्सोनॉमी में लोअर बॉटनी एंड हायर बॉटनी। लोअर बॉटनी में वो प्लांट इसमें रखती है जैसे कि एल्गी, फंजाई, ब्रायो ट्रेडो एंड आपकी बैक्टीरिया, वायरस हैं, और आपके दूसरे जो है सीड प्लांट रख दिए हैं कि जिम्नोस्पर्म्स हैं या एंजियोस्पर्म्स हैं, से इन अलग अलग दो कैटेगरी बनाती है लोअर बॉटनी एंड हायर प्लांट की, जिसको इनसे यूज़फुल दो इनको दो कैटेगरी में अलग कर दिया गया। तीसरे प्रकार के हैं जो नेचर, उनका नेचर जो प्लांट है उनके किस तरह से, तो इनमें जो एफ हिल ने चार ग्रुप बना दिए थे कि ऐसा प्लांट ग्रुप एज ए प्लांट ग्रुप जैसे हैं कि फूड प्लांट, दूसरा
ऐसा कि उनसे फूड प्लांट तो मेन जो खाद्य पदार्थ है, दूसरा सह खाद्य पदार्थ, तीसरा औषधि मेडिसिन प्लांट, चौथा इंडस्ट्री से रिलेटेड प्लांट जो हैं। तो चार मेन ग्रुप करा दे, एक ग्रुप में जो जिनसे कि हमें खाना प्राप्त होता है, दूसरे ऐसे खाद्य पदार्थ जिससे कि हमें खाने के संग में सह खाद्य पदार्थ वाले हैं, तीसरा है जो मेडिसिन प्लांट है, और चौथा इंडस्ट्री फूड में हमारे जो आ जाते हैं सीरियल्स हैं, पल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, सह खाद्य पदार्थ में हमारे मसाले वगैरह आ जाते हैं, बेवरेज में टी कॉफ़ी वगैरह, मेडिसिन प्लांट में दवाइयाँ, और इवन इसके बाद में जो आपके टोबैको वगैरह हैं वो भी मेडिसिन में आ जाती हैं, और इंडस्ट्री प्लांट में आपके फाइबर हैं, टिम्बर हैं, रबर प्लांट हैं, रेजिन हैं, ऑयल्स हैं। इसके बाद इन्होंने जो फोर्थ टाइप है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजफुल प्लांट का अलग उन्होंने कहे, जो साइंटिस्ट हैं बी ब्रॉक, उन्होंने 1972 में उन्होंने इसको और ज़्यादा ग्रुप बना दिए हैं, चार की जगह उन्होंने 7 टाइप ऑफ ग्रुप किए, और उन्होंने उसको मानव द्वारा उपयोग द्वारा कंज्यूम प्लांट, शेल्टर प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट, इंडस्ट्रियल प्लांट, एनिमल एंड फॉडर प्लांट, मेडिसिन प्लांट एंड विभिन्न उपयोगी पादप का एक ग्रुप अलग बना दिया। तो इन्होंने अपना 7 टाइप कर दिया। अब एक लास्ट है कि किस पांचवा जो ग्रुप बना है कि बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ यूज प्लांट, कि कितने तरह के प्रोडक्ट्स हमें प्लांट के द्वारा मिल रहे हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं यूज करके, तो इस ग्रुप में मैं को 21 टाइप में डिवाइड किया गया है, और 21 टाइप ग्रुप में जो है तो बहुत ही डिटेल में है, और इसमें जो है कि सीरियल में बांट दिया है सीरियल को, फिर पल्सेस में, नट्स में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, इसके क्या कहते हैं फ्रूट्स के बाद में स्पाइसेस में, स्पाइसेस में, बेवरेज में, अल्कोहल में, ड्राई एंड डाइज में, फैटी ऑयल्स में, सुगर्स में, गम्स में, फाइबर में, टिम्बर में, मेडिसिनल प्लांट, इसके बाद इसके जो आपके नेकरोटिक सब्सटेंस इन प्लांट्स से मिलते हैं वो प्लांट, रबर एंड लेटेक्स यील्डिंग प्लांट, इंसेक्टिस ऐसे जो प्लांट जिनसे कि इंसेक्टिसाइड वगैरह प्रोडक्ट बनते हैं, जिनसे कि इंसेक्टिसाइड करने वाले हटाने वाले ड्रग्स बनाते हैं वो प्लांट, और मतलब फॉडर या फॉरेज जिनसे ग्रासेस वगैरह मिलती हैं वो प्लांट। इस तरह से 21 टाइप के प्लांट की ये लिस्ट यहाँ पर दी है, और बहुत इसमें पूरा का पूरा जो एसेंस टाइप के जितने सारे प्लांट के मोस्टली प्लांट सभी आ जाते हैं इस 21 टाइप में, और इनके जो लिस्ट में इसमें आपको दिख रही है, इस लिस्ट में कंप्लीट इसमें बॉटनिकल नेम, उनकी फैमिली, उनके उपयोग वगैरह सब कुछ दिया है, और आप उसको याद करना है आप लोगों को बच्चों। और कभी कभी एग्ज़ाम में केवल 2 या 5 नंबर में ये पूछ लिया जाता है कि इन कोई 5 मेडिसिनल प्लांट के नाम बताइए, उनके फैमिली नाम लिखिए, उनके यूजर्स लिखिए, तो एग्ज़ाम में ऐसे पूछते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। और अगले उसमें क्लास में हम क्रॉप वाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।